तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से। क्वेश्चन नंबर 51 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। 52 में क्या करा, यह फंक्शन का करा जाए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से, इसको इंटीग्रेट कीजिए। और बाय पार्ट्स मेथड क्या होता है ना, यू इंटू वी का इंटीग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, यू को कॉन्स्टेंट रखते, वी का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, U का DC और V का इंटीग्रेट और फिर A dx। ये यूज करते हम लोग क्या ना, एक फॉर्मूला होता बाई पार्ट्स मेथड का, एक फॉर्मूला होता। अब कहा जा रहा है इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट किस अनुसार से करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को लेट करना होगा cos इनवर्स x को t, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए इस तरफ लाकर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos t, और ये आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए x का dx, और cos का हो जाएगा sin माइनस में sin t dt। अब वापस क्वेश्चन आ जाइए, तो cos इनवर्स x को मान चुके हैं t, और बटा में x का वैल्यू क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर t, और डी एक्स का वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस में साइन टी डी टी, ए लिख लेंगे। अब ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दे, ये माइनस को बाहर कह ले, टी साइन और कॉस क्या लिख देंगे, टैन टी। एक कॉस बच गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक टी और ए डी टी। ध्यान रहे, फिर से क्या किए यहाँ पे, इसको कॉस इनवर्स एक्स को लेट कर दिए टी, तो x का वैल्यू निकाल लिए cos t, cos इनवर्स को IRS था क्या ना यहाँ पे भेज कर, और ये इसका डिफरेंशिएट dx, इसका डिफरेंस माइनस साइन t। अब cos इनवर्स को लेट किए थे t, और x का वैल्यू cos स्क्वायर t, dx का वैल्यू रख दिए यहाँ पे माइनस साइन t dt, और ये आ गया t, एक साइन एक cos, क्या लिख सकते हैं, tan, एक cos बचा ऊपर गया से, तो ए बन चुका है यहाँ पर u इंटू भी, इसको भी मान ले और इसको u मान ले, तो u और भी मानकर इंटीग्रेट कर दे, तो u इंटू भी, तो u को कांस्टेंट में रखते हैं, भी का इंटीग्रेट कह लेते हैं, और भी का इंटीग्रेट कह लेंगे, और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल, u का dc कह लेंगे, और भी का फिर से इंटीग्रेट कह लेंगे, और फिर क्या लगा लेंगे dt, और फिर हॉल dt हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं माइनस में t और tan इंटू sec t, tan इंटू sec t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec t होता है। अब माइनस क्या लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट वन, इसका इंटीग्रेट अभी हम लोग किए क्या ना, sec t dt, ए हो गया। अब ए लिख देंगे माइनस में t sec t, अब sec t का इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, log mod sec t और प्लस में tan t प्लस में c, ए लिख दी। अब t का ना वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या t का वैल्यू cos इनवर्स x, sec t को लिख सकते हैं ऐसे 1 by cos t, ऐसे लिख सकते sec t को 1 by cos t और प्लस में log, यहाँ भी sec t को कर दीजिए, यहाँ पे sec t को ना रहने दीजिए sec t, और यहाँ पर sec t प्लस में tan t आ गया, क्या आ गया, tan t। यहाँ पे इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए sec t और tan t का वैल्यू देना, तो यहाँ पे ए आ गया ना cos t का वैल्यू, कुछ नहीं तो 1, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। cos t का फॉर्मूला क्या होता है ना, cos t का होता है b by h, तो b by h, तो ये निकाल लेंगे हम लोग क्या, p, तो 1 माइनस में x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस t का वैल्यू लिख लेंगे cos इनवर्स x, सेक टी का ना फॉर्मूला क्या होता है ना, सेक टी का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी, तो एच बाई एच के जगह पे 1, बी के जगह पर एक्स, प्लस में लॉग सेक, सेक क्या हो जाएगा,
सेफ्टी मतलब एच वन और बी बी मतलब एक्स प्लस टेन का हो जाएगा पी पी बाई बी पी बाई बी और प्लस में सी, तो इसको लिख देंगे माइनस में वन बाई एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस में और लॉग लॉग। अब एलसीएम लेंगे एक्स तो वन प्लस में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 52। इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ध्यान देंगे 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 इसका इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। तो ए ना इसको यू और इसको भी मान लीजिए और इंटीग्रेट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ना, पहले तो हम लोग ए ध्यान रखें तो टू पर पावर एक्स, टू के पावर एक्स का इंटीग्रेशन मतलब ए के पावर एक्स समझे, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए के पावर एक्स बाई लॉग ए, एक फॉर्मूला होता है। तो इसका ना यू को कॉन्स्टेंट में रखेंगे, भी का इंटीग्रेट, अब माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, यू का डिफरेंशिएट और भी का इंटीग्रेट, फिर टी एक्स लिखेंगे और ये हो गया एक्स। इसका इंटीग्रेशन टू के पावर एक्स बाई लॉग टू, यह जाएगा इस फॉर्मूला के अनुसार से। अब माइनस इंटीग्रेट एक्स का डिफरेंशिएट वन, इसका इंटीग्रेशन यहाँ से टू के पावर एक्स बाई लॉग टू और लॉग टू और ए आ गया डी एक्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू के पावर एक्स इंटू एक्स लॉग टू और माइनस एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह गया और टू के पावर एक्स का इंटीग्रेट करेंगे, टू के पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो टू के पावर एक्स बाई लॉग टू प्लस में सी, तो इसको लिख देंगे टू के पावर एक्स इंटू एक्स बाई लॉग टू माइनस वन गुना इतना था टू के पावर लॉग टू क्या हो जाएगा, लॉग टू के होल स्क्वायर प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ध्यान देंगे 54 क्या करा, 54 लॉग एक्स बटा में एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करना तो log x by x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 by x into यहाँ पे log x को रहने दीजिए और by में x dx। तो ये क्या किया गया यहाँ पर, log x 1 by x स्क्वायर को x into x इस तरह से लिख दिए x into x dx में, और इतना लिखने के बाद लेट कर दीजिए log x को t, हम लोग क्या लेट करेंगे t, तो log x का डिफरेंशिएट 1 by x dx t का dt। और यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि log x बेस में e बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा e के पावर है, तो x बराबर क्या होगा e बेस ना यहाँ पे चलाएगा और ये पावर में आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका ना कुछ नहीं तो क्या ना e, तो x का वैल्यू फाइंड करना, तो क्या हो जाएगा e के पावर t, या यहाँ से इस फार्मूला से ध्यान देंगे x बराबर क्या हो जाएगा e के पावर t, या इस फार्मूला से। अब वापस क्वेश्चन आ जाइए, log x को क्या मान चुके हैं t और अब बटा में x और बटा में एक्स डी एक्स, बटा में एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या लिख लेंगे डी टी, और इस एक्स का वैल्यू रख देंगे ई के पावर टी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लॉग एक्स का वैल्यू क्या रख दिए टी और बटा में एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या रख दिए डी टी, इस एक्स का वैल्यू पुट कर दे ई के पावर टी, तो ये हो जाएगा टी और ई ऊपर जाएगा तो माइनस में टी डी टी। अब ये बन गया u into v, तो u को कांस्टेंट में v का इंटीग्रेट और v का इंटीग्रेट माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल, u का डिफरेंशिएट v का इंटीग्रेट और फिर हो जाएगा dt। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कह लेंगे
इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और आंसर पा जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे टी ई पर पावर टी का इंटीग्रेट ई के पावर टी और एक्स टी के साथ क्या मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल टी का डिफरेंशिएट वन इंटू इसका इंटीग्रेट ई के पावर माइनस टी, टी के साथ क्या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस वन और ये आ जाएगा डी टी, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लें माइनस टी ई के पावर माइनस टी प्लस में इसका इंटीग्रेशन यही आ जाएगा और जो मल्टीप्लीकेशन हो क्या हो जाएगा डिवाइड प्लस में सी और ए माइनस में टी ई के पावर माइनस में टी प्लस माइनस माइनस ई के पावर माइनस टी प्लस में सी, यहाँ पे ई के पावर माइनस टी कॉमन है माइनस वन माइनस टी माइनस वन आ जाएगा प्लस में सी ए आ गया। अब यहाँ पर ई टी का वैल्यू पुट कर दे, टी को क्या लेट किया गया था लॉग एक्स माइनस में लॉग एक्स बेस में ई हो जाएगा और यहाँ पे भी और टी का वैल्यू लिख देंगे माइनस में लॉग एक्स और वन प्लस में सी, ये ध्यान दे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और लॉग ई के पावर लॉग एक्स बेस में ई तो होता है एक्स, तो यहाँ पे ध्यान दे ई के पावर ई माइनस है ना, ई पावर पहले आ जाएगा लॉग एक्स के पावर माइनस वन और माइनस हो जाएगा लॉग एक्स और माइनस वन प्लस में सी, तो ये फॉर्मूला से क्या हो जाएगा एक्स के पावर माइनस वन, एक्स के पावर माइनस वन और माइनस में लॉग एक्स और माइनस वन प्लस में सी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए वाला माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स के पावर है तो बटा में आ जाएगा तो पॉजिटिव लॉग एक्स माइनस प्लस वन प्लस में सी, ए हो गया आंसर। इससे क्या कह लिए माइनस कॉमन ले लिए, एक्स के पावर माइनस वन था तो नीचे ले गए तो क्या हो गया पावर प्लस में, ए हो गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, ध्यान देंगे तो 55 का इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देंगे यहाँ पे क्या करना होगा e के पावर साइन एक्स को रहने साइन टू एक्स को ऐसे तोड़ दीजिए टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स ए तोड़ लिए और अब लेट कर दीजिए साइन एक्स को टी, साइन का डिफरेंशिएट हम लोग सभी जानते हैं कॉस एक्स डी एक्स टी का डी टी, वापस क्वेश्चन आ जाइए e के पावर साइन टी को क्या लेट किए थे टी और ए टू साइन को टी और कॉस डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा डी टी, अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे टू टी इंटू ई के पावर टी डी टी। अब यहाँ से आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं यू को कांस्टेंट में रखेंगे, यू को कांस्टेंट में रखेंगे और भी का इंटीग्रेट करेंगे डी टी और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल यू का डिफरेंशिएट कह दे और फिर भी का इंटीग्रेट और डी टी, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा टू टी ई पर पावर टी का इंटीग्रेट ई के पावर टी माइनस और इंटीग्रेशन का सिंबल टू टी का डिफरेंशिएट टू और टी का वन और इसका इंटीग्रेट ई के पावर टी डी टी, ये आ गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे टू टी ई के पावर टी अब माइनस में और टू कांस्टेंट है रह गया ई के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई के पावर टी और प्लस में सी और ई के टू टू और ई के पावर टी कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा टी और यहाँ बच जाएगा वन प्लस में सी, तो टी का क्या लेट किया गया है साइन एक्स, ये लिख देंगे साइन एक्स और यहाँ पे साइन एक्स माइनस वन प्लस में सी, ये हो गया आंसर। ए क्वेश्चन नंबर 55। अब इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 भी बहुत सिंपल है, तो क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का फर्स्ट ए कर रहा है यू इन टू भी, यह फंक्शन का इंटीग्रेट है, इसको यू और इसको भी मान लीजिए तो यू को कॉन्स्टेंट में भी का इंटीग्रेट और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल यू का डी सी और भी का इंटीग्रेट कर दीजिए ई के पावर थ्री एक्स डी एक्स,
फिर क्या ना हॉल डी एक्स ए कह ली, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन थ्री, तो डिवाइड कह लेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट टू एक्स, इसका इंटीग्रेट ई के पावर एक्स के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन थ्री डिवाइड ए हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई थ्री ई के पावर थ्री एक्स माइनस टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा एक्स ई के पावर थ्री एक्स डीएक्स। सर यहाँ पे फिर से यू इन टू भी बन चुका, तो फिर से यू इन टू भी यूज करेंगे एक्स स्क्वायर बाई थ्री और ई के पावर थ्री एक्स माइनस टू बाई थ्री, तो यू इन टू भी, तो यू को कॉन्स्टेंट रखेंगे भी का इंटीग्रेट माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल यू का डी सी भी का इंटीग्रेट, फिर अंत में क्या लगाते हैं डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई थ्री ई टू डी पावर थ्री एक्स माइनस में टू बाई थ्री और एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई के पावर थ्री एक्स एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड और माइनस में इंटीग्रेट इसका डिफरेंशिएट वन और इसका इंटीग्रेट ई के पावर थ्री एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड डी एक्स। अब यहां से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई थ्री और ई के पावर में थ्री एक्स अब माइनस में टू बाई थ्री और एक्स ई के पावर थ्री एक्स बाई थ्री माइनस में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई के पावर थ्री एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन फिर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तीन तिया नौ प्लस में सी, ये हो गया आंसर। तो इसको और भी एक लाइन चल सकते एक्स स्क्वायर बाई थ्री ई के पावर थ्री एक्स ए हो जाएगा टू एक्स ई के पावर में थ्री एक्स तीन तिया नौ और माइनस 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 प्लस टू ई के पावर थ्री एक्स नौतिया सत्ताईस प्लस में सी, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 56 इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे 56 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 56 का सेकेंड आप लोग खुद बना लेंगे एक्स स्क्वायर ई के पावर दिया हुआ है एक्स डेक्स, ये तो और सिंपल है, ये तो और आसान है, इससे और आसान है, तो ये आप लोग खुद बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, तो क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है, इसको u और इसको भी मान ले, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से यूज कर लेंगे ये फॉर्मूला से, तो u को कॉन्स्टेंट में रखिए और v को इंटीग्रेट कीजिए और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल u का डिफरेंशिएट cos इनवर्स x dx इनटू v का इंटीग्रेट फिर क्या नाम हॉल dx ए लिख लेंगे, और यहाँ पे आ गया cos इनवर्स x इसका इंटीग्रेट हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल इसका डिफरेंशिएट माइनस में 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर इसका इंटीग्रेट हो जाएगा x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और dx ए dx रह गया। अब इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस में एक कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए अब यहाँ पे क्या करना होगा ध्यान देंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को एक सिंपल नियम है क्या ना नीचे के जैसा ऊपर बना दीजिए नीचे जैसा ऊपर बना दीजिए या यहाँ पे पुट कर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ पे पुट करने से अच्छा इंटीग्रेट की एक कह लिए। अब नीचे के जैसा ऊपर बनाएंगे अब यहाँ लिख लेते एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस में वन बाय टू इसका इंटीग्रेट करने के लिए जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाएंगे, नीचे में क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर में एक को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए और एक को घटा दीजिए तो ए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस में वन बाई टू। अब इसको डिवाइड कर लेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर
और बटा में वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में वन बाई अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स ये कह लिए। और यहाँ पे लिखते क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स और माइनस में वन बाई टू ध्यान देंगे यहाँ पे रूट में यहाँ पे रूट नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा तो रूट में बच जाएगा वन माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में वन बाई अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस में वन बाई टू। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ये सूत्र आगे जाके आप लोग को अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 19.12 में पढ़ेंगे ये हम लोग 19.12 में ये पढ़ेंगे ये वाला फॉर्मूला अभी यूज है तो ये यूज कह लेते हैं। तो इसको ना ए समझ ले और इसको ना एक्स ये तो है ही है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स बाई टू और एक्स बाई टू अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए के जगह पे वन लिखने की जरूरत नहीं है माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स इसका तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी फिर से रिपीट इसका इंटीग्रेशन ए लिख लिए इस फॉर्मूला के अनुसार से और इसका इंटीग्रेशन ए अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस में वन बाय टू एक्स बाय टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हाफ है यहाँ पे फुल है तो हाफ फुल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में वन बाई टू साइन इनवर्स ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा माइनस में वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी यही हो गया आपका आंसर। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्स बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस में एक्स बटा दो दूनी चार अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी ये हो गया आंसर ए क्वेश्चन नंबर 57। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 58 आप लोग खुद से बनाएंगे एच डब्ल्यू कॉस के जगह पे दे दिया गया है साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेट इसी प्रकार से सेम करेंगे और ये इंटीग्रेट हो जाए क्यों क्योंकि यहाँ पर ना एक्स कौन इसी प्रकार तो होगा तो एक्स का कॉस यहाँ पे साइन आ जाएगा साइन का डिफरेंशिएट वन बटा वन सब कुछ यही होगा सेम टू सेम होगा केवल कॉस इनवर्स के जगह पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स बाकी आंसर भी क्या आएगा सेम आएगा इसका। तो इसका क्वेश्चन नंबर 57 के जैसा खुद से बनाएंगे ए एच डब्ल्यू रहा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 का देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देंगे क्या दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर दिया हुआ यह फंक्शन का इंटीग्रेट कहा जा रहा है करने के लिए। तो साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग लेट कह लेंगे साइन इनवर्स एक्स को टी और साइन इनवर्स को आर इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा साइन टी। अब डिफरेंशिएट कीजिए एक्स का डी एक्स साइन का हो जाएगा कॉस टी डी टी ये हो गया डिफरेंशिएट। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए तो इसको क्या लेट किया गया टी तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और डी एक्स का वैल्यू कॉस टी डी टी यहाँ से अब आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि ए बन गया यू और ए बन गया वी ऐसा हम लोग बहुत से क्वेश्चन क्या कर चुके कंप्लीट कर चुके। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना बताते हैं यू को कॉन्स्टेंट वी का यहाँ पे यू इंटू वी तो यू को कॉन्स्टेंट में रखेंगे वी का इंटीग्रेट कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टी माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा टू टी और इसका इंटीग्रेशन साइन टी डी टी ए हो गया और फिर टी स्क्वायर साइन टी और माइनस फिर से यू इन टू वी
यू इन टू बी, तो यू और ए भी, तो यू को कॉन्स्टेंट में, बी का इसका इंटीग्रेशन माइनस में कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका डिफरेंशिएट, इसका इंटीग्रेट, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा कॉस टी डी टी, राइट। यहाँ तक तो अब समझ सकते हैं ना, टी स्क्वायर साइन टी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस में टू टी कॉस टी, और माइनस प्लस माइनस एक टू रह गया, कॉस का क्या हो जाएगा साइन टी प्लस में सी। अब टी का ना वैल्यू आप लोग खुद से रख लेंगे, टी का वैल्यू रखने के लिए समझा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का सेकेंड, 59 का सेकेंड क्या करा, ध्यान से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना पड़ेगा। साइन इनवर्स दिया हुआ 3x माइनस में 4x क्यू dx, इसका इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान से समझेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेफ्ट कर दीजिए x को साइन साइन, पुट कर दीजिए यहाँ पे, पुट कर दीजिए, लेफ्ट नहीं पुट, पुट कर दीजिए x के जगह पे साइन थीटा, x के जगह पे क्या पुट कर दे साइन थीटा, साइन थीटा पुट कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अब रख कर सकते, रख कर सकते, और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर x डिफरेंट ये हो जाएगा डी एक्स और साइन का कॉस थीटा डी थीटा ए थ्री, और x के जगह पे क्या हो जाएगा ना यहाँ पे साइन थीटा, और माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, और डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए कॉस थीटा डी थीटा, राइट। यहाँ तक तो कंप्लीट है ना सर, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा क्या होता है साइन 3 थीटा होता है, और ए रख गया कॉस थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल 3 थीटा, और एक कॉस थीटा डी थीटा। अब यू इन टू भी फिर से लगा लेंगे, तो यू को कॉन्स्टेंट में रखेंगे, भी का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका डिफरेंशिएट 3, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब ये लिख लेंगे 3 थीटा और साइन थीटा माइनस में 3, साइन थीटा का इंटीग्रेट माइनस कॉस, माइनस माइनस में कॉस थीटा प्लस में सी। अब थीटा का वैल्यू खुद से रख लेंगे और ए आ जाएगा 3, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा ना इधर से लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा का वैल्यू एक्स, और प्लस में 3, कॉस थीटा नहीं वैल्यू दिया हुआ, साइन थीटा दिया हुआ, तो कॉस को साइन में चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में सी, और ए 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में 3 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का सेकेंड। इसी अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 60, इसका इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और ये लॉग है तो पहले लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और मैं 2 एन लॉग एम समझे, एन लॉग एम तो क्या हो जाएगा लॉग एम पर पावर एन, और बटा में क्या ना एक्स के पावर 4 dx, ये हो गया। अब यहाँ पे और भी पॉइंट याद रखेंगे, क्या लिख सकते इसको एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और ये रह गया एक्स के पावर 4, और यहाँ पे log m माइनस log m तो क्या हो जाएगा log m 1 m बटा में n, ये हो गया और a dx आ गया। ध्यान देंगे और यहाँ पे a अंडर रूट x स्क्वायर प्लस में 1, यदि यहाँ पे x स्क्वायर से क्या करते डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर से क्या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, अब बटा में x के पावर 4 पहले से था ए लॉग, और इसको ना डिवाइड कर दीजिए 1 बटा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ए डी एक्स आ गया। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या ना इसको भी डिवाइड कर लीजिए अंडर रूट, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 बटा एक्स स्क्वायर, और ई स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा एक्स, और पहले से एक्स के पावर 4 था ए लॉग,
ये 1/x² यहाँ पे कट गया 1 dx, ये कट जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट 1 और प्लस में 1/ x² x² यहाँ पे कटा तो x, अब बटा में x के पावर 4 ही है और यहाँ आ जाएगा log log 1/x² प्लस में 1 dx, एक्स एक्स ए कट गया तो यहाँ पे लिखा जाएगा अंडर रूट 1 + 1/ x² और यहाँ पे रह गया बटा में x³ लॉग लॉग 1/x² प्लस 1 dx, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए 1/x² प्लस 1 को क्या t, तो 1/x² का इंटीग्रेट डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा -1/x³, तो माइनस में x/x³ 3 है, इसका डिफरेंशिएट -2/x³, इसका डिफरेंशिएट -2/x³, 1 का 0 dx, t का dt, इसको उधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 1/x³ dx और dt / -2, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दे, वापस क्वेश्चन से चलते यहाँ पे लिख लेते ये इसको क्या मान चुके हैं t, पूरा कर क्या मान चुके हैं t, और ये हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा log t, इसको क्या ना log t इनटू में log t, और ये ना x³ dx बटा में x³ dx का वैल्यू क्या dt / -2, -2 कांस्टेंट है बाहर क्या लेंगे a √t इनटू log t dt, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेट कह लेंगे ये u और ये v मानकर, तो log से रिलेटेड बहुत से हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग 41 तक log से रिलेटेड u इनटू v पे बहुत क्वेश्चन बना चुके, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर जब आप यहाँ पे देखेंगे 37 से 41 तक में बहुत से 20 हिसाब इस तरह का लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन बना पाए हैं, बताया गया था बोर्ड पे, तो उससे ना हम लोग देख लेंगे तो इसको बनाएंगे तो अपने आप बन जाएगा, तो यहाँ से आप लोग खुद बना लेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 60, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 का इसको सॉल्व करने के लिए इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, लेट कर दीजिए एक्स बराबर कॉस 2 थीटा, और अब यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा dx cos का हो जाएगा माइनस में साइन 2 थीटा, और थीटा के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और थीटा d थीटा। अब वापस क्वेश्चन आ जाइए, ये लिखा हुआ tan इनवर्स अंडर रूट 1 - x का वैल्यू क्या cos 2 थीटा, और यहाँ पे 1 + cos 2 थीटा, dx का वैल्यू रख दीजिए 2 sin 2 थीटा d थीटा, ये हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin² थीटा, ये 2 cos² थीटा, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 sin 2 थीटा d थीटा, ये ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है सभी का। अब इसको लिख लेंगे tan इनवर्स 2 कैंसिल, और tan साइन बाय cos क्या हो जाएगा tan, और स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा tan थीटा इनटू में 2 sin 2 थीटा d थीटा, tan tan कैंसिल तो मिल गया क्या थीटा इनटू 2 और साइन 2 थीटा d थीटा, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 थीटा इनटू साइन 2 थीटा d थीटा। अब यहाँ से इंटीग्रेट कह लेंगे, एक क्वेश्चन नंबर लौट आया, एक क्वेश्चन नंबर मैच कर रहा है किससे मालूम है, एक क्वेश्चन नंबर मैच कर गया 3 से, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये सब क्वेश्चन नंबर 3, 2, 1, एक क्वेश्चन नंबर क्या ना ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाया, जैसे वैसे यहाँ से आप लोग खुद से बना लेंगे। अब पूरा चैप्टर ये समाप्त होने वाला है, इतना से अब आप लोग खुद बना लेंगे, ए टर्म को यू मान लेंगे, ए टर्म को भी, यदि इसमें डॉट होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को रिपीट कह लेंगे तो ये अपने आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का यहाँ से खुद बना लेंगे,
ये हो गया एच डब्ल्यू वन, ये मैच कर गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर से। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए एक्स बटा वन माइनस में कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स बटा वन माइनस में कॉस एक्स डी एक्स, ये डिवाइड कर लिए और यहाँ पर हो जाएगा एक्स और या एक्स। तो वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू और इसका फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, टू टू कैंसिल एक साइन कैंसिल, तो ए आ जाएगा एक्स और टू को रहने दीजिए, साइन को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा कॉस एक स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस में एक कॉस एक साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेट को बांट दीजिए, तो इंटीग्रेट को बांट देंगे x बाई टू कॉस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस डी एक्स माइनस में कॉट एक्स बाई टू डी एक्स, ए आ गया। अब यहाँ पे तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे एक समझ लेंगे, इसको u और इसको v, तो ए यू इंटू वी पे आप लोग खुद से बनाएंगे, इसका इंटीग्रेट कॉट का इंटीग्रेट सभी जानते हैं लॉग मॉड साइन है, तो ए क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद से बना लेंगे, यहाँ पे ए बन जाएगा आप लोगों से और इसको u और इसको v, तो u को क्या में गुना में रखेंगे, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा माइनस में कॉट एक्स, ए हो गया। अब माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका डिफ्रेंशिएट वन बाई टू और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट, तो माइनस माइनस प्लस में कॉट हो जाएगा एक्स बाई टू, तो इसका ना एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, इसका कॉस एक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉट एक्स स्क्वायर बाई टू और एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई वन बाई टू, वन बाई टू क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट ए कह लिए और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल और इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा वन बाई टू, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में कॉट एक्स बाई टू के साथ क्या मल्टीप्लाई वन बाई टू, ये डिवाइड हो जाएगा डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड कॉसिक, लॉग मॉड कॉसिक एक लॉग मॉड साइन हो जाता है, लॉग मॉड साइन एक्स बाई टू और प्लस में सी एक्स के साथ क्या गुना वन बाई टू, तो वन बाई टू ए डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे। अब माइनस में ए टू ऊपर आ जाएगा तो ए टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं लिख सकते माइनस में एक्स और कॉट एक्स बाई टू और प्लस में आ रहा और प्लस में एक कांस्टेंट कांस्टेंट कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा कॉट एक्स बाई टू डी एक्स माइनस में लॉग ए टू ऊपर आ जाएगा टू साइन एक्स बाई टू प्लस में सी, तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स कॉट एक्स बाई टू और इसका इंटीग्रेट हम लोग लिख लेंगे लॉग लॉग मॉड साइन, लॉग मॉड साइन एक्स बाई टू और x बाई टू और x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड हो जाएगा और माइनस में, माइनस में यहाँ पे क्या है ना लॉग साइन x बाई टू और प्लस में c, तो एक क्या हो जाएगा ना टू, यहाँ पे टू है और एक ऊपर आ जाएगा माइनस में कॉट x बाई टू और x बाई टू और माइनस में ऊपर प्लस में है तो ऊपर आ जाएगा लॉग मॉड साइन x बाई टू और माइनस में टू log साइन x बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा मिल जाएगा माइनस में x cot x बाई टू प्लस में c, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62। इस तरीके से आप लोग 62 कंप्लीट कर लेंगे, ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हुआ एक्सरसाइज 19.10। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज से 19.11 से। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। यदि इसमें किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो ये क्वेश्चन को, ये एक्सरसाइज को समझने में, तो इस नंबर से मैसेज करेंगे, वो जो भी डाउट होगा जो भी प्रॉब्लम होगा आपका पर्सनल आपको इससे समझाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।